नमस्कार, डेली न्यूज 360 में मैं हूँ सुरभि श्रीवास्तव और पेश है असम की 5 बड़ी खबरें। असम के बाढ़ डुमजा में हुई फायरिंग में पिता पुत्र की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा उमड़ चुका है और लोग सड़कों पर उतर के अल्फा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये अल्फा के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि असम को पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त किया जाएगा, किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। असम में 40 हाथियों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 100 दिनों के भीतर हाथियों की मौत का मामला बहुत ही चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में इन हाथियों की मौत ट्रेन से कटने, बिजली के झटके, खाई में गिरने और जहरीले पदार्थ के सेवन जैसे कारणों से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में हाथियों के कई झुंड लगातार खाने की खोज में रिहायशी इलाकों की तरफ हमला कर रहे हैं। गुजरात के वागरा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी सुलेमान बरूच ने मुसलमानों से विवादित अपील की है। उन्होंने कहा कि एक बार हमें वोट दो और 5 साल तक गुजरात में हमारी दादागिरी चलेगी। देश की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने जारी किए हैं 174 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 174 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये रकम सीमा क्षेत्र विकास BADP के तहत असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जारी किए गए हैं। सोनोवाल दिल्ली में अपने रोड शो की तैयारी में जुट गए हैं, जहां वो असम में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो करेंगे। रोड शो का उद्देश्य फरवरी में असम में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का प्रचार प्रसार करना है।